हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवंबर मंथ में मैंने जो है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया था, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो उस पर मैंने नवंबर मंथ में कुछ स्पेंड किए थे लगभग 10,000 के आसपास, जिसका बिल जनरेट हुआ था दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे लगभग जो है इसका कैशबैक मिला है। तो कैशबैक कैसे मिलता है, ये मेरा सबसे पहले प्रश्न था, ठीक है, उस समय जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था। तो अब ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से मिलता है, तो वही इन्फॉर्मेशन आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ था, इस तरह का मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ था एक्सिस बैंक के तरफ से कि मेरा जो भी मैंने कैशबैक पाया है वो अमाउंट जो है मेरे कार्ड पे ऐड कर दिया गया है। और जब मैंने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जाके देखा, स्टेटमेंट नहीं मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है वो जाके देखा, तो वहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने लगभग 10,000 रुपये खर्च किए थे, उस पर मुझे यहाँ पे जो है 210 रुपये का कैशबैक यहाँ पे मुझे मिला। तो इस तरह से कैशबैक मिलता है दोस्तों, और आपके अकाउंट में डायरेक्टली ऐड हो जाता है। दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रांजेक्शन उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको कैशबैक मिलते हैं। तो ये मेरा पहला कैशबैक था, मैंने 10,000 रुपये के आसपास स्पेंड किए थे, 9,000 समथिंग का कुछ बिल जनरेट हुआ था और 210 रुपये कैशबैक प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का, यहाँ पे जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन करता था तो यहाँ पे इस तरह से जो है 1.5% का जब मैंने अदर ट्रांजेक्शन किया और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किया तो यहाँ पे 5% का इस तरह का एसएमएस प्राप्त होता है। मतलब जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि हमें कैशबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसे क्लियर हो जाता है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। ओवरऑल कार्ड जो है बहुत बढ़िया है, आपको मल्टीपल कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर यूज़ करते हैं यानी अदर जगह, तो यहाँ पे आपको 1.5% का, और फ्लिपकार्ट से करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।